Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कवर कर रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे कैसे एंथर डिहाइसेंस होता है और पॉलन ग्रेन रिलीज आउट होता है, कैसे एंथर पड़ता है और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। आज हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये तो पता है पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, एंथर डिहाइसेंस होके एंथर जब फटता है तो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज आउट करता है। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आपने कभी हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा तो जब उसे छूते हैं तो येलो कलर का कुछ पाउडरी चीज़ है जो कि हम लोग के हाथ में लग जाता है, और वो येलो कलर का पाउडर जो है उसको अगर आप वाटर में डाल करके माइक्रोस्कोप में व्यू करिएगा तो उसके अलग अलग साइज़, शेप, कलर ये सब देखने को मिलेंगे। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज़ का आप इसी तरीके से माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना करके देख सकते हैं। देखिए कुछ डायग्राम्स है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन। कोई राउंड शेप में, कोई ओवल शेप में है, कोई थोड़ा सा कांटेदार शेप में है, कि अलग अलग शेप्स होता है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। पॉलन ग्रेन का डायामीटर जो होता है स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। पॉलन ग्रेन का डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, दो लेयर्स का बना होता है। जो आउटर लेयर है, हार्ड आउटर लेयर कॉल एग्जाइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसे एग्जाइन कहते हैं और जो इनर लेयर है उसे एंटाइन कहते हैं। जो आउटर लेयर एग्जाइन है वो स्पोरोपॉलिनिन का बना हुआ होता है और वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है स्पोरोपॉलिनिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये कोई भी चीज़ को, कितना भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सबको रेजिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ये रेजिस्ट कर सकता है, और ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन में आता है। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई। ये बहुत हाई से हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को बर्दाश्त कर सकता है और अल्कलाई को। अल्कलाई किसको कहते हैं? बेस को कहते हैं। ठीक है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपॉलिनिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं पता चला है जो कि स्पोरोपॉलिनिन को ख़त्म कर सके, डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। पॉलन ग्रेन का जहाँ जो एग्जाइन लेयर होता है वहाँ पे कुछ कुछ खड्डे होते हैं जिसे जर्म पोर्स कहते हैं, जहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन एब्सेंट होता है। पूरे एग्जाइन में स्पोरोपॉलिनिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन एब्सेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट एग्जाम्स के लिए भी। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। पॉलन ग्रेन्स को हम लोग, क्योंकि उसमें स्पोरोपॉलिनिन है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल है, जल्दी डिग्रेड नहीं हो सकता वो, ठीक है, वो डिग्रेड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसे फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। अब जो एग्जाइन है, आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन का, उसका भी अलग अलग शेप होता है। ठीक है, कोई राउंड होता है, कोई ओवल होता है, अलग अलग शेप होता है, उसका भी अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है। व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो एग्जाइन तो हार्ड होना भी चाहिए, वरना उसके अंदर का जो भी मटेरियल है या कॉन्टेंट है वो डैमेज हो सकता है। इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन। पॉलन ग्रेन के इनर वॉल को एंटाइन कहते हैं। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। ये कहीं पे भी नहीं रुकता है, ये कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है, और ये किससे कंपोज होता है? सेल्यूलोस और पेक्टिन। पॉलन ग्रेन के दो लेयर्स होता है, एग्जाइन एंड एंटाइन। एग्जाइन स्पोरोपॉलिनिन से बना है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कलाई सबको विदस्टैंड कर सकता है। और दूसरा लेयर है एंटाइन, जो कि कंटिन्यूस लेयर है सेल्यूलोस और पेक्टिन का बना हुआ है। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म अंदर का जो मैट्रिक्स है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर स्टेज में होता है इसमें दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज एब्यूडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेग्युलरली शेप्ड न्यूक्लियस। देखिए, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल में एब्यूडेंट फूड रिजर्व मटेरियल पाया जाता है जो कि आगे जाके एम्ब्रॉयो को नरिश करने का काम करता है, और लार्ज इरेग्युलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल इतना छोटा होता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो ईजिली तैरता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। इसका शेप स्पिंडल की तरह होता है, टैपर्ड एंड्स होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। मतलब 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है वो दो सेल्ड स्टेज में ही पाए जाते हैं, जिसमें दो सेल होता है, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। लेकिन इन रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। लेकिन बाकी 60% में तो टू सेल स्टेज में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी 40% में थ्री सेल स्टेज में पाए जाते हैं, जिसमें जो जनरेटिव सेल है वो टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। पॉलन ग्रेन्स कुछ स्पीसीज के जो होते हैं वो एलर्जीज, सीवियर एलर्जीज पॉलन ग्रेन, बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि बहुत सारे एलर्जीज कॉज करते हैं, उससे एलर्जीज होते हैं, और एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब होता है एंड एट्सेट्रा। इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, पार्थेनियम का दूसरा नाम है कैरेट ग्रास, दैट कम इन टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन ऑक्यूरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी, ठीक है। तो ये कैरेट ग्रास जो है ये बाहर से जो वीट आया था उसके साथ ही ये आ गया था, और ये एक तरह से पॉलन एलर्जी का बहुत बड़ा कॉज है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जीज भी क्रिएट करते हैं और बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकी इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फिर आगे है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स बहुत बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये आजकल एक फैशन में बन गया है कि लोग पॉलन टैबलेट्स यूज़ करते हैं एज फूड सप्लीमेंट्स। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सीरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एथलीट्स, जो भी एथलीट्स हैं, स्पोर्ट पर्सन है, वो पॉलन ग्रेन का कंजप्शन करता है, ये हाई लेवल ऑफ एनर्जी इन्हेंस करता है, और ये टैबलेट्स एंड सीरप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं नीचे में, पॉलन प्रोडक्ट बी पॉलन का ये प्रोडक्ट टैबलेट्स है, सीरप्स का बॉटल दिखा रखा है, तो इस तरह का वेस्टर्न कंट्रीज में कंज्यूम होता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। व्हेन वंस दे आर शेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब एक बार जो पॉलन ग्रेन शेड हो गया तो उसको स्टिग्मा चाहिए ही चाहिए, वरना वो अपने वायबिलिटी को लूज कर देगा। देखिए, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स का अलग अलग वायबिलिटी ड्यूरेशन होता है, कुछ होता है जो 30 मिनट्स में ही डेड हो जाता है, कुछ 1 मंथ तक रहता है, ठीक है, वैसे ही कुछ 2 वीक्स तक रहता है। अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग वायबिलिटी पीरियड होता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये वायबिलिटी पॉलन ग्रेन का जो है
वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है, इस कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड वीट, पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो आधे घंटे में ही अपने वायबिलिटी को लूज कर देता है। एंड इन सम मेम्बर्स ऑफ रॉसिएई, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, इसमें मंथ्स तक होता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आर्टिफिशियली स्पर्म्स को मतलब लैबोरेटरी में स्टोर किया जा सकता है इन मिनिमम टेम्परेचर। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। उसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स को भी लैबोरेटरी में लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जा सकता है फॉर ईयर्स। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। और इस तरह के पॉलन्स जो होते हैं वो पॉलन बैंक्स उसे कहा जाता है जहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि सीड बैंक होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।